हाय दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट और मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग हमेशा की तरह दो फिल्मों का रिव्यू एक ही वीडियो में करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। लेकिन देखिए, आज मेरे पास बोले ना वर्ड्स कम है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गाली दूं या तारीफ करूं, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि भाई तू तो हमेशा साउथ की फिल्मों को पसंद करता है। और आज कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि आज एक ऐसी मूवी है जो साउथ की है और एक ऐसी मूवी है जो बॉलीवुड की है। तो यार मैं फिर से बहुत असमंजस में आ गया कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि लोग जो है मुझे बायस समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बायस नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, एक मूवी है जो बॉलीवुड की, वो एकदम जुलाब है, मतलब वन ऑफ दी 2020 तो बोलता मैं बोला लास्ट डिकेड 10 सालों में कोई ऐसी वाहियत पिक्चर बनी, वो है लव आजकल 2। लेकिन कुछ एक जगह पे ऐसी मूवी है जिस साउथ की मूवी है, इसमें हमें विजय देवराकोंडा नजर आते हैं, लेकिन ये मूवी मुझे पर्सनली ओके लगी। मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मुझे ओके लगी, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी। जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। ये मूवी सिर्फ विजय देवराकोंडा के जो फैंस है बस उन्हीं लोगों को पसंद आएगी, अदरवाइज शायद उनको भी पसंद नहीं आएगी। क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है, कहानी ओके है, काफी जिसने भी लिखा है ना कुछ डल लिखा है, मतलब वो फील नहीं आता। इंटरवल के बाद तो ये पूरी की पूरी फिल्म फ्लैट हो जाती है, इतनी फ्लैट हो जाती है कि जो मजा इंटरवल से पहले आ रहा था वो मजा कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और फिर एंड देख कर ऐसा लगता है कि इस एंड को जबरदस्ती का घुसाया गया, क्योंकि अगर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन है जस्ट एंडिंग से कुछ 5-7 मिनट पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन है, जहां पर वो अपनी नहीं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो वहां पर ये फिल्म खत्म हो सकती थी। लेकिन वो जो सीन एक्सटेंड किया ना 3-4 मिनट का, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बेमतलब का हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की गई। अदरवाइज वो नहीं भी होता तो फिर भी ये फिल्म को इफेक्ट नहीं करता। खैर, ये जो फिल्म की कुछ खामियां हैं, जैसे इसके गाने मुझे अच्छे नहीं लगे, कहानी ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लव स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको मल्टीपल लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और मल्टीपल लव स्टोरी में अगर शुरुआत की बात हो तो इस फिल्म की कहानी शुरुआत होती है लिव इन रिलेशनशिप पे, जहां पर आपको विजय देवराकोंडा और राशि खन्ना नजर आते हैं। विजय देवराकोंडा का इस मूवी में नाम है गौतम और राशि खन्ना का नाम है इस मूवी में यामिनी। तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है, लेकिन इनके लिव इन में सब कुछ, जैसे कि सेक्स है, पैसा है, घर है, सब कुछ है, लेकिन प्यार ही नहीं है। और यही चीज यामिनी समझ जाती है और वो चाहती है कि इस रिलेशन से किसी तरीके से बाहर निकलना। फिर इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग सोच रहे हो जो बाकी की 3 एक्ट्रेस है वो लोग की एंट्री कब होती है, तो बाकी की 3 एक्ट्रेस की एंट्री कब होती है और उन लोगों के साथ कौन सी लव स्टोरी है और क्या कुछ है, वो बेसिकली आप लोग फिल्म देखोगे तो आपको समझ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ, स्पॉइलर ये कि यहाँ पर मुझे ऐश्वर्या राजेश का एस जो विजय की वाइफ, जो हमें एक अलग लव स्टोरी देखने को मिलेगी, उसमें जो उसने वाइफ का रोल किया बहुत ही ज्यादा अच्छा, और उनका काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और वो जोड़ी बहुत जबरदस्त लग रही थी, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि राशि खन्ना का भी काम कम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राजेश बहुत शानदार लग रही थी। और विजय देवराकोंडा की बात करूं तो ये पूरी की पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर है, उन्होंने जितना एफर्ट दिखाया ना इस फिल्म में मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि कहीं ना कहीं आपको ये फिल्म अर्जुन रेड्डी में जो उनकी जो दाढ़ी और जो बड़े बड़े बाल थे वो ऐसा लुक आपको नजर आएगा स्टार्ट से लेकर बीच में, जो वो नजर आता रहेगा। और आपको जो गुस्से वाला सीन है जो अर्जुन रेड्डी आप लोगों ने महसूस किया था, वो सीन यहाँ पर भी आप महसूस करोगे। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर ये चीज नहीं बताया कि उसको गुस्सा आने की वजह क्या है, इतना गुस्सा क्यों, तो उस राइटर को इतना गुस्सा आता है कि उसके पीछे की वजह मेकर ने बिल्कुल भी साफ नहीं किया। वो चीज मुझे थोड़ी खटक रही थी और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अर्जुन रेड्डी की सक्सेस की वजह से उन लोगों ने सोचा कि यार ये मूवी भी चल जाएगी, लेकिन ये मूवी इतनी नहीं चलेगी। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ये मूवी सबको पसंद भी नहीं आने वाली, ये मूवी ठीक ठाक चलेगी, ज्यादा बिजनेस नहीं करेगी। और इस मूवी के जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो इसका गाने, हालांकि इस गाने मुझे लैंग्वेज समझ में आई, लेकिन जो एक फीलिंग होती ना, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन वो चीज भी नहीं आ रही थी माइंड में, जो कि पर्सनली मुझे थोड़ा सा खटक रहा था। तो कुल मिला के ये मूवी इतना बोल सकता कि एक एवरेज मूवी मुझे पर्सनली फील हुई, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो अगर आप लोग को ये फिल्म अच्छी लगी तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा वो भी मुझे बता सकते, क्योंकि इस फिल्म की इंटरवल के बाद ये फिल्म में जो पेरिस वाला एंगल बताया, जो मतलब चौथी एक्ट्रेस है, वो तो मतलब ऐसा लगता कि बिन मतलब के इसमें डाला गया, उसका मुझे पर्सनली सेंस नहीं लग रहा था। अब आप लोग की क्या राय है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम लोग बात करते हैं लव आजकल 2 की। तो देखिए, लव आजकल 2 के बारे में जितनी गालियां दोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। मैं इतना बोलता, अगर आपको किसी से भी दुश्मनी, किसी से भी, तो उसको लव आजकल 2 की मूवी दे दो, टिकट दे दो और उसको थिएटर में बिठा कर बाहर से दरवाजा बंद कर देना, और वो जिंदगी भर पछताएगा कि उसने 2 घंटा क्या देख लिया। आप यकीन नहीं मानोगे, सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी को लेकर जो हाइप क्रिएट किए थे ना, वो सिर्फ इसी वजह से किए थे क्योंकि फिल्म में कुछ भी दम नहीं है। और जितनी कहानी आपको वर्ल्ड फेमस लवर में देखने को मिल जाएगी ना, उसकी आधी भी आपको लव आजकल 2 में देखने को नहीं मिलेगी। लव आजकल 2 पूरी सदी की 10 सालों में अगर कोई वर्स्ट से वर्स्ट फिल्म बनी होगी तो उसमें सबसे ऊपर नाम होगा वो है लव आजकल 2 का। और लव आजकल 2 मुझे लगता है कि इम्तियाज अली,
सारा अली खान, कार्तिक आर्यन, ये सबके करियर की सबसे वर्स्ट चीज है। और कार्तिक आर्यन की बात करूं तो जो लोग कार्तिक आर्यन के फैन है मैं उनको इतना बोलूंगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और अर्जुन कपूर के बाद अगर कोई लीग में आता है फ्लॉप एक्टर्स के तो वो अब कार्तिक आर्यन आएगा। और सही बता रहा, कार्तिक आर्यन अगर इसी तरीके से सेम एक्टिंग करता रहा ना तो उसके करियर में कुछ होप नहीं है, और मतलब कोई बात ही नहीं यार, कुछ अलग हटके कर, कुछ तो कर। हर फिल्म में ऐसा लगता है कि वो एक ही सेम एक्टिंग करो, इसमें तो इतना मतलब कुछ है ही नहीं। और सारा अली खान की बात करो, सारा अली खान केदारनाथ में इतनी अच्छी एक्टिंग की थी तो मुझे लगा था कि आलिया भट्ट के बाद अगर कोई एक्ट्रेस है जो वाकई में एक्ट्रेस कर सकती है, एक्टिंग कर सकती है, तो वो सारा अली खान है। बट सच बता रहा, इस मूवी में जो उसने ऐसा ओवर एक्टिंग की और जो कॉन्फिडेंट यहाँ पे लग रही थी कि मतलब लोग तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं जो भी करूंगी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सच बता रहा यहाँ पर पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है। और वो पूरी की पूरी फिल्म इतनी ज्यादा फुल लग रही कि मतलब मैं आपको बताना फुल मतलब बेवकूफ लग रही कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये फिल्म अगर कोई पूरी देख भी लेना तो उसको एक नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये मूवी संडे के अलावा अगर चल गई, मतलब संडे से इस मूवी को एकदम कुत्ता भी नहीं पूछने वाला, और शायद ये थिएटरों से निकल भी जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि ये एक इतिहास में लिखा जाएगा कि लव आजकल 2 वन ऑफ दी वर्स्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड। और बॉलीवुड के पास कुछ भी नहीं बचा है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जब बॉलीवुड वाले रीमेक बनाते तो उनको बनाने दो, क्योंकि जब वो लोग ओरिजिनल कुछ कहानी लिखते तो इस तरीके की लिखते हैं जो 10 मिनट बर्दाश्त नहीं हो सकती। अगर वो रीमेक बनाते तो कम से कम आप लोग पूरी क्या आधी फिल्म तो देख सकते हो, लेकिन जब लोग अपने हिसाब से अपने माइंड से कोई कहानी लिखते तो आप 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करोगे। तो बस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों ही फिल्मों से एक फिल्म तो कचरे का डब्बा और दूसरी मूवी एक एवरेज मूवी है। तो आप लोग अगर विजय के फैन हो तो आप लोग जरूर जाना वर्ल्ड फेमस लवर, अगर आप उनके फैन नहीं हो तो शायद आपको ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और अगर आप कार्तिक आर्यन और सारा अली के फैन हो तो मैं आप लोग से इतना बोलूंगा कि आपकी जो चॉइस है उस चॉइस को बदल लो, या तो फिर दुआ करो कि भाई ये लोग कोई अच्छी फिल्म में काम करे ताकि आपको देखने बहुत मजा आए। क्योंकि अगर आपके पैसे ज्यादा हो गए तो अरहान एंटरटेनमेंट को आप लोग जरूर पैसे सेंड कर सकते हो, मजा करो भाड़ बजाय। बस इतना बोलता कि बस आप लोग खुश हो और इसी तरीके से अरहान एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आज मैं बैक टू बैक काफी फिल्में देखा तो मेरा दिमाग काफी एग्जॉस्ट हो चुका है इसके लिए। अभी बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना। मैं हूं राशिद शेख और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट, टिल देन बाय।